हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ऐसा कोई ट्रिक आपको बताएगा नहीं, मात्र एक ही ट्रिक आपको काफ़ी रहेगा अंदर बाहर जुआ जीतने के लिए। दोस्तों एक बात और बता दें, ये दोस्तों जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं, जो भी गेम बता रहे हैं आपको, केवल नॉलेज एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहे हैं। कृपया इसका बुरा प्रयोग या गलत प्रयोग ना करें, इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा अंदर बाहर जुआ कैसे खेल सकते, कैसे आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप अंदर बाहर जुआ कैसे खेल सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। उससे पहले बता दें, जो भाई लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जो भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हर लोग गए, यहाँ पे देखिए ताश की गड्डी है, ठीक है, इसको अच्छे से सफल कर लीजिए आप, ठीक है। ये अंदर बाहर जुआ जीतने का बहुत ही धांसू ट्रिक है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किस तरह अंदर बाहर खेल सकते हैं और किस तरह जीत सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इस पत्ती को, ठीक है, इस तरह अच्छे से सफल कर लीजिए। सफल करने के बाद इसको अच्छे से फर्री मार लीजिए। दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरे एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से इसको फर्री मार लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे करने के बाद दो चार भाई बैठे रहते हैं सामने वाले भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई लोग मेरे चैनल पे मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, वो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे एक वीडियो नहीं, बहुत सारा वीडियो आप जाके देखेंगे तो आई होप कि आपको सीख भी मिलेगा और समझ भी जाएंगे और जान भी जाएंगे, कोई बकवास नहीं। अब देखिए ऐसे होता है कि चार लोग बैठे रहते हैं, ताश की गड्डी है, ऐसे बीच में से कोई भी एक पत्ती कट करके वो सामने वाला भाई निकाल के यहाँ पे रख देगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि छक्की की पत्ती आ गई। दोस्तों प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए छक्की की पत्ती है, अभी देखिएगा छक्की की पत्ती अगर जो अंदर आएगी तो मैं जीतूंगा, बाहर जाएगी तो सामने वाले भाई जीत जाएंगे। उसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, ये अंदर बाहर का बहुत ही धांसू और एकदम बिल्कुल न्यू ट्रिक है। भाई लोग मिस कर देंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, अगर जो अच्छे से देख लेंगे तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छा ट्रिक सीख भी जाएंगे और समझ भी जाएंगे। अब देखिए छक्की की पत्ती किधर जा रही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों इधर में छक्की की पत्ती नहीं आई। अब चलिए हम इस गड्डी में देख लेते हैं कि छक्की की पत्ती किधर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए छक्की की पत्ती किधर आ रही है, एक एक पत्ती में बारीकी से दिखाऊंगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका ट्रिक भी, ट्यूटोरियल भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे छक्की की पत्ती अंदर आ चुकी है, जैसे कि इधर देख लीजिए छक्की की पत्ती है, वही छक्की की पत्ती अंदर आ चुकी है। इसमें दोस्तों मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, कोई कट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जिन भाई लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जो भाई लोग उल्टा ये कमेंट कर रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो, आप एक नहीं दो चार वीडियो देखेंगे तो आप आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अच्छे से बताइए, मैं आपको 1K सब्सक्राइबर दूंगा। तो भाई मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरा जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दीजिए, मैं 5,000 का गिवे इनाम दूंगा दोस्तों, ठीक है। जो भाई मेरा अधिक सपोर्ट करेगा मैं उसी को गिवे इनाम करूंगा, ठीक है। ये आप लोग के ऊपर है दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़वाइए, मैं 5,000-10,000 का गिवे दे सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देख सकते हैं छक्की की पत्ती अंदर आ चुकी, तो मैं जीत गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे इस गड्डी में सेट कर रहा हूँ, कैसे ये छक्की की पत्ती अंदर आ रही है, वो आप ध्यान से देखिएगा, ट्यूटोरियल समझिएगा दोस्तों, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये ताश की गड्डी, इसको अच्छे से सफल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये देखिए ताश की गड्डी अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, सफल कर दिया, इसको फर्री भी मार दिया। अब दोस्तों होता क्या है कि सामने वाले भाई बोलते हैं कि इसमें से कोई भी एक पत्ती निकालिए, और कोई भी आप पत्ती निकाल लीजिए, उस पत्ती को मैं अंदर ही गिराऊंगा। तो कैसे, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ताश की गड्डी है, ठीक है,
ये छक्की की पत्ती है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक है। तो आप जो पत्ती कहेंगे वही पत्ती मैं अंदर गिरा के सेट करके दिखाऊंगा इस ताश की गड्डी में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक पत्ती ले लीजिए इसमें से, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये गुल्लू की पत्ती है और मान लीजिए दोस्तों ये बेगी की पत्ती है, ठीक है। अब बेगी की पत्ती मैं अंदर गिराऊंगा, अंदर सेट करके आपको दिखाऊंगा किस तरह। तो यहाँ पे देख लीजिए बेगी की पत्ती है और एक बेगी की पत्ती मैं और ले रहा हूँ। पूरे एंड तक देखेंगे तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक बेगी की पत्ती मैं और ले लिया। अब होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए अच्छे से इसको मैं सफल कर लिया, पीस लिया, कटिंग किया और इसको सामने वाले भाई यहाँ से निकालेंगे तो बीच में से ऐसे निकल गया, ठीक है। तो मुझे क्या शेटिंग पहले से करना है, आई होप कि मुझे क्या शेटिंग पहले से करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा ये बेगी की पत्ती हमको अंदर गिराना है, तो ये बेगी की पत्ती है ना, तो क्या शेट करना है कि ये बेगी की पत्ती अंदर ही आए। तो चलिए इस बेगी की पत्ती को देखते हैं, ताश की गड्ढी में शेट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेगी की पत्ती को रखेंगे, ठीक है दोस्तों। रखने के बाद ठीक है आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों बेगी की पत्ती ऊपर आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे आप पीस लीजिए, पीसने के बाद आप सारा कुछ कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये बेगी की पत्ती ऊपर ही है, देख रहे हैं ना दोस्तों। अब इसको करने के बाद आप ऐसे करिएगा प्यार से, आप बारीकी समझिएगा, ऊपर से यहाँ से देखिए आठ पत्ती, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पत्ती, ठीक है। ये आठवीं पत्ती आपका बेगी की होनी चाहिए दोस्तों। एक बार और काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये 8 पत्ती है, इसको आप यहाँ रख दीजिए। रखने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से सफल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी जो भी पत्ती सेट होगी आपके आंखों के सामने होगी और वो पत्ती अंदर ही आएगी, ठीक है। ऐसे करने के बाद इस पत्ती को ऊपर मैं चढ़ा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऊपर चढ़ा दिए, मिक्स भी हो गया। फिर आप ऐसे कर लीजिए, फिर इसको ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद दोस्तों अब क्या है, सामने वाला भाई बोल रहा है इसको फर्री भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्री भी मैं मार दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये वाली पत्ती को नीचे रहने देना है और ये पत्ती को आपको ऊपर चढ़ा देना है, ठीक। ऐसे करने के बाद आपकी पूरी पत्ती अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है दोस्तों और अच्छे से इसमें सम्मिट हो चुकी है, कोई आपको पकड़ भी नहीं पाएगा और आप जो भी पत्ता सेट करेंगे वो पत्ता अंदर ही आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अभी ये बेगी की पत्ती अंदर ही आएगी। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको करने के बाद आप फर्री भी मार लीजिए, ठीक है। इस तरह एक बार और आप फर्री मार लीजिए, ये वाली पत्ती नीचे ही रहने देना है, ठीक है। और ऐसे करके आप ऐसे ऊपर चढ़ा दीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भी आप ऐसे ऐसे करके ये वाली पत्ती को ऊपर चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो बेगी की पत्ती है, ये बेगी की पत्ती अंदर ही आएगी 100 में 100%, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बेगी की पत्ती अंदर आ चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक जो भी नॉलेज दिए हैं, जो भी ट्रिक बताए हैं, जो भी आपको अच्छे से समझाए हैं, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन भाई लोग को समझ में नहीं आया होगा वो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो जाके एक एक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।